तो तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम है हिबातुल्ला अखंडज़ादा, इन्होंने डायरेक्ट किया है ऑफिशियल्स को कि जल्द से जल्द जो इनका मोरालिटी लॉ है जो नैतिकता से संबंधित जो कानून है उसे यहाँ पर लागू किया जाए और ये जो कानून है ये स्पेशली महिलाओं पर बहुत सारी जो रोक लगा रहा है कोडीफाई कर रहा है वुमेन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके बारे में ये बात करता है वुमेन के साथ साथ जो माइनॉरिटीज हैं जो अल्पसंख्यक है उनके लिए यहाँ पर ये प्रावधान या ये कानून लाया गया है तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या क्या प्रावधान है इसके अगर हम बात करें तो आपके सदगुण बोल सकते हैं कि यहाँ पर सदगुण के प्रचार और जो भी यहाँ पर बोल सकते हैं कंप्लेंट्स हैं हियरिंग कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स हैं प्रिवेंशन ऑफ वाइस एंड हेयरिंग कंप्लेंट्स है ये एक मिनिस्ट्री है इनकी राइट और उन्होंने औपचारिक रूप से इस बार पहली बार 114 पेज का कोड पब्लिश किया है राइट जो कि पहला फॉर्मल इनेक्टमेंट है जब से तालिबान 2021 में आया है तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना राइट दूसरी चीज अगर हम बात करें क्या क्या प्रावधान है इस लॉ के सबसे पहला कि जो है जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें पब्लिक में स्पेशली पूरी बॉडी को कवर करना होगा उनका कुछ भी मतलब नथिंग नॉट देयर स्किन शुड बी विजिबल दूसरा कि फेस जो है वो उन्हें हमेशा कवर करके रखना है राइट उनका लॉजिक ये है कि टेम्पटेशन ताकि कोई आकर्षित ना हो आपसे इसलिए आपको आपका फेस कवर करके रखना है इट हैज़ मेड मैंडेटरी तीसरा अगर हम बात करें तो अपने घरों में भी महिलाएं पढ़ते हुए रीड करते हुए गाना गाते हुए सुनाई नहीं देनी चाहिए Like एंड अगर हम बात करें साथ ही में जो विमेन और मेन और विमेन जो महिलाएं और जो यहाँ पर पुरुष हैं अगर वो एक दूसरे को बाय ब्लड राइट उनका कोई खून का रिलेशन रिश्ता नहीं है वो नहीं जानते तो वो साथ में ना गाना सुन सकते हैं ना ही यहाँ पर मिल सकते हैं पब्लिकली तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आप देख सकते हो उसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिक में अगर वो बाय ब्लड नहीं है तो मेन और वुमेन एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकते दिस इज अनादर प्रोविजन नॉट ओनली दिस महिलाओं के लिए ही नहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो एक एएफपी रिपोर्ट के हिसाब से इवन मेन आर नॉट आल्सो यू नो अलाउड टू वेयर शॉर्ट्स जो घुटनों से ऊपर अगर हम बात करें जो शॉर्ट्स पहनते हैं वो यहाँ पर अलाउड नहीं है पुरुषों के लिए और अपनी जो बियर्ड होती है उसको आप मतलब क्लीन बोल सकते सकते, हैं, अच्छे से ट्रिम नहीं कर राइट क्लोजली right? आप ट्रिम नहीं कर सकते हो ये भी उन्होंने यहाँ पर प्रावधान दिया है और जो एल जी पी टी क्यू कम्युनिटी है जिन्हें हम अल्पसंख्यक कह रहे हैं यहाँ पर उनके लिए भी प्रोसिक्यू प्रोसिक्यूशन है राइट रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए भी यहाँ पर प्रावधान लाए गए हैं तो ये है इनका नैतिकता कानून यहां पर अगर हम बात करें तो जो यूएन के हाई कमिश्नर हैं हैं, फॉर ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार की जो बात करते हैं, उनके हिसाब से इट इज इफेक्टिवली यू नो रेंडरिंग वीम एज अ फेसलेस वॉइसलेस शेडो मतलब ये बोल सकते हैं कि एक तरह से महिलाओं की आवाज को बिल्कुल दबा रहा है उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं उन्हें यहाँ पर खत्म कर रहा है दूसरी चीज़ अगर हम बात करें आखिर में अगर हम देखें कि पहले का जो तालिबान का शासन रहा है उससे ये क्या कुछ अलग है तो यूएन के जो संयुक्त राष्ट्र के जो विशेषज्ञ हैं एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि बहुत ही बोल सकते हैं एक तरह से इट इज़ अ जेंडर अपार्टिड बहुत ज़्यादा यहाँ पर पार्शलिटी है बायसनेस है और जो हमने 2001 में देखा था तालिबान के शासन में ये उससे कहीं अलग नहीं है ये वैसे ही यहाँ पर बोल सकते हैं प्रोविजंस हैं जो इस मोरलिटी लॉ के तहत वो लेकर आए सो देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिक ह्यूमन राइट्स जो यू नो बाय बर्थ इंसान को मिलते हैं वो भी यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं स्पेशली वुमेन को यहाँ पर बहुत कुछ फेस करना पड़ा पड़ रहा है इस तरह से अगर हम देखें तो तालिबान पहले से काफी पीछे जा रहा है मीन्स इट्स गोइंग बैकवर्ड्स इट्स नॉट डेवलपिंग ऑन इट्स ओन तो ये कुछ प्रोविजन्स थे इट हैज़ बीन इन द न्यूज राइट ये हमारी एथिकल इश्यूज से लेकर हमारी सोसाइटी वुमन एम्पावरमेंट सारे इश्यूज को यहाँ पर कनेक्ट करता है सो वी कैन इवन कोट एग्जांपल्स Uh, in our exams as well. So that was it for today. I hope you have enjoyed the session.